इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं मैं फुल सर्विस ब्रोकर क्या है और डिस्काउंट ब्रोकर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का होना कंपलसरी है। उसके बिना आप शेयर्स का बाय एंड सेल नहीं कर सकते और आप कोई भी आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना होगा। लेकिन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते समय आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से ओपन करना चाहिए, मुझे कौन सा डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ से ओपन कर जो अच्छा है, जिसका चार्जेस और ब्रोकरेज बहुत कम हो। जैसे इंडिया में बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म है, जैसे कि आप ब्रोकरेज फर्म है इंडिया में 3 टाइप के ब्रोकरेज फर्म है, जैसे कि फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म, डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म और बैंक होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म के बारे में। फुल सर्विस ब्रोकर्स ऑफर यू सेवरल सर्विसेज अलॉन्ग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स, ऑप्शन ऑफ रिसर्च एंड एडवाइस एज वेल एज रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। इन्हें फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्या क्या फुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करके देंगे वो। ये जो रिलेशनशिप मैनेजर होगा हमेशा आपको गाइड करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। जब भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप रिलेशनशिप मैनेजर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको सॉल्व कर देगा। यहाँ पे क्या है, फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म में आपको कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। कॉल एंड ट्रेड का मतलब होता है कि आप कॉल करके फोन में उनको बोल सकते हैं कि आपको कौन सा शेयर बाय एंड सेल करना है। तो यहाँ पे वो लोग आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे ऑनलाइन। जैसे कि आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आप बिजी होते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करके बोल सकते हैं किसी कंपनी के इतने शेयर बाय करने हैं, ठीक है। कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म फ्री में प्रोवाइड करते हैं और फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म अपने कस्टमर को जैसे कि फंडामेंटल रिपोर्ट्स हो गया, रिसर्च रिपोर्ट हो गया, कंपनी रिपोर्ट्स हो गया, एनुअल रिपोर्ट हो गया, कंपनी स्टॉक रिव्यू, प्री स्टॉक टिप, आईपीओ रिपोर्ट, डेली मार्केट रिव्यू, ये सभी चीजें ना ये आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग में और आपको एनालाइज करने में कि कौन सा स्टॉक में आपको ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सभी रिपोर्ट को आप अच्छे से आप एनालाइज कर सकते हैं और यही रिपोर्ट के एनालाइज के हेल्प से आप फंडामेंटल टेक्निकल रिसर्च करके आप कोई भी इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आप लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म या इंटरडे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सभी सर्विसेज देने की वजह से इनका जो चार्जेस होता है बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म ब्रोकरेज एंड चार्ज सर्विस चार्जेज मोर। अब मैं आपको बताता हूँ बैंक के बारे में, ठीक है। बैंक में अगर आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट है तो यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा सेम बैंक से, आप दूसरे बैंक से नहीं कर सकते। जैसे कि मान के चलिए आप चल लीजिए कि आप एक्सिस बैंक में आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना है तो आपको एक्सिस बैंक में ही आपका सेविंग अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आप लेकिन फुल सर्विस एंड डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म सिर्फ डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो फुल सर्विस एंड डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में आप अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में कोई से भी बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे फुल सर्विस और ब्रोकरेज फर्म में, फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म में डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट करके आप कोई सा भी बैंक अकाउंट का लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि यहाँ पे आपको ये बैंक का अकाउंट लिंक करना है, ये बैंक अकाउंट लिंक नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। आप कोई सा भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं फुल सर्विस एंड डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। लेकिन बैंक में आपको जहां से आप डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हैं आपको वहीं से आपको सेविंग अकाउंट ओपन करना होगा। और एक चीज और है, बैंक का जो ब्रोकरेज चार्ज होता है बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म और डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म। आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी बैंक में अपने डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन ना करें। अगर आप ओपन करना ही है तो आप फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म में या डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में आप ओपन कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म के बारे में। डिस्काउंट ब्रोकर इज वन हु प्रोवाइड्स यू ए प्लेटफॉर्म टू बाय एंड सेल ऑर्डर एट ए रिड्यूस ब्रोकरेज। यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो ब्रोकरेज होता है वो कम होता है और ये क्या है, मेनली फोकस करते हैं अपने टेक्निकल सॉफ्टवेयर पे और टेक्नोलॉजी पे और सॉफ्टवेयर पे, इन सब चीजों पे फोकस करते हैं, ऐप पे ज्यादा फोकस करते हैं ये लोग, क्योंकि जो ऐप हो, जो सॉफ्टवेयर हो, टेक्नोलॉजी हो, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो कस्टमर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन के लिए मतलब कि जैसे कि रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, जैसे यहाँ पे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपको जैसे कोई भी क्वेरी है
आपको जैसे अगर कोई कॉल एंड ट्रेड करना है तो बहुत सारे जो ब्रोकरेज डिफॉल्ट ब्रोकरेज वहाँ पे रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड नहीं कराते, आपको कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराते, सब नहीं, कोई कोई है जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में आपको रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलेगा, कॉल एंड ट्रेड का फैसिलिटीज भी मिलेगा, लेकिन कई कई में आपको रिलेशनशिप मैनेजर नहीं मिलेगा और कॉल एंड ट्रेड का फैसिलिटीज भी नहीं मिलेगा। तब क्या करना है आपको, तब यहाँ पे आपको क्या करना है कि तब के केस में आपको क्या, कस्टमर केयर को कॉल करके आपको बताना होगा कि मेरा ये क्वेरी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, या फिर आपको ईमेल के थ्रू उनको ईमेल भेजना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कॉल एंड ट्रेड का चार्जेस होता है। यहाँ पे जैसे आप कॉल एंड ट्रेड करेंगे तो फोन करके आप बोलेंगे कि मुझे ये शेयर परचेस करना है, ये शेयर सेल करना है, तो यहाँ पे उनका कोई चार्जेस होता है। जैसे कि मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको कोई ऑर्डर प्लेस करना है, आप कॉल करके ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपको कुछ चार्जेस पे करना होगा। यहाँ पे आपका जैसे देख सकते हैं, रिफंडामेंटल रिपोर्ट हो गया, रिसर्च रिपोर्ट, कंपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, कंपनी स्टॉक रिव्यू, फ्री स्टॉक टिप रिपोर्ट, डेली मार्केट रिव्यू, ये सभी जो रिपोर्ट्स हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में कोई ब्रोकरेज फर्म प्रोवाइड कराती है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म के अंडर में, और कोई ब्रोकरेज फर्म नहीं प्रोवाइड कराती। तो ये क्या है, जब आप अकाउंट ओपन करेंगे यहाँ पे, तब आप उनको कॉल करके आप पता करिए कि आपके क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हैं, रिलेशनशिप मैनेजर प्रोवाइड करा रहे हैं कि नहीं, कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी है कि नहीं, ये सभी रिपोर्ट्स आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सभी चीजें आप यहाँ पे इनसे आप बात करिए, बात करने के बाद में आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म ये सभी सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, जैसे रिलेशनशिप मैनेजर हो या कॉल एंड ट्रेड, जिसके वजह से इनका जो चार्जेस होता है बहुत कम होता है, क्योंकि ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। लेकिन डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म मेनली टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि कस्टमर को समझने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन देखिए देखिए फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म मतलब जो ब्रोकरेज फर्म होता है वो ऑल ओवर इंडिया में होता है उसका ब्रांचेस, लेकिन जो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है उसका ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में नहीं है, बहुत कम जगह पे है। आप बैंक का बोलेंगे तो ऑल ओवर इंडिया पे है, लेकिन बैंक का क्या, ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ज्यादा है। आप फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म बोलेंगे तो वो ऑल ओवर इंडिया में है, लेकिन उसका भी ब्रोकरेज चार्जेस ज्यादा है। लेकिन आप सर्विस बोलेंगे तो फुल ब्रोकरेज सर्विस का उनका सर्विसेज बहुत अच्छा है। आप डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म का बोलेंगे तो इनका सर्विसेज एज कम्पेयर टू फुल ब्रोकरेज फर्म से कम है, लेकिन इनका ब्रोकरेज चार्जेस और सर्विस चार्ज बहुत कम है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि विच इज बेस्ट, कौन सा ब्रोकरेज फर्म बेस्ट है, फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म बेस्ट है कि डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म है कि बैंक। मैं आपको यही बोलूंगा कि डिस्काउंट ब्रोकरेज बेस्ट है, क्योंकि आजकल सब लोग डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म को प्रीफर करते हैं सिर्फ ब्रोकरेज के लिए। आजकल कोई भी कॉल एंड ट्रेड नहीं करता, सब कोई मोबाइल और लैपटॉप से भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म में अपना अकाउंट ओपन करें और देखिए आपको जो सही लगता है। जैसे फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म में भी आप बहुत सारी कंपनी होती है, चलिए मैं आगे बता देता हूँ आपको। देख सकते हैं कि टॉप 10 फुल सर्विस ब्रोकर यहाँ पे जैसे कि है, एंजल ब्रोकिंग हो गया, शेयर खान, इंडिया इंफोलाइन, मोतीलाल ओसवाल, रेलिगल सिक्योरिटीज, आनंद राठी कारवे, एसएमटी ग्लोबल, रेगुलर सिक्योरिटीज, वेंचुरा, कोटक, जियोजिट एडवाइज, ये सभी जो है फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं। इनका जो सर्विसेस है ऑल ओवर इंडिया में, इनका ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया में है। या आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर करके देंगे जिनसे आप फोन में बात कर सकते हैं कि मुझे ये शेयर बाय करना है, सेल करना है, या आपको कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, रिसर्च रिपोर्ट, सभी फंडामेंटल टेक्निकल सभी चीजें आपको मिलेंगे फुल सर्विस ब्रोकर के पास में। अगर मुझसे पूछेंगे तो सबसे बेस्ट एंजल ब्रोकिंग है, वहां पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, शेयर खान भी है, इंडियन फुलाइन में, ये सब बेस्ट है फुल सर्विस ब्रोकर पे। अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ टॉप 15 डिस्काउंट ब्रोकर। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, स्टॉक कार्ट हो गया, जरोदा हो गया, अप स्टॉक हो गया, 5 पैसा, सेमको, मास्टर ट्रस्ट, अलाइज ब्लू, ट्रेड स्मार्ट ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रेड प्लस, विजडम कैपिटल, फायर प्रो स्टॉक, ट्रेड एनजी, माइट वैल्यू ट्रेड, आरके ग्लोबल, आस्टर, ये सभी क्या है, सब डिस्काउंट ब्रोकर है। तो यहाँ पे भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए आजकल क्या है कि डिस्काउंट ब्रोकर में भी आपको सभी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, फैसिलिटीज जैसा कि कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटीज, रिलेशनशिप मैनेजर, ये सब आजकल यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आप अकाउंट ओपन करने से पहले आप चेक करें कि यहाँ पे आप ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं कि नहीं, क्योंकि एक चीज और है, आप जब भी अकाउंट ओपन करेंगे तब सबसे पहले आप ब्रोकरेज प्लान को चेक करिएगा। ब्रोकरेज प्लान आप फुल डिस्काउंट ब्रोकर जैसे कि ये सभी है, फुल सर्विस ब्रोकर हो गया और डिस्काउंट ब्रोकर हो गया, दोनों के आप ब्रोकरेज प्लान को आप पहले चेक करिए, इनका ब्रोकरेज कितना है, किस में कम है, किस में ज्यादा है,
इसमें ज्यादा अच्छा सर्विसेस आपको प्रोवाइड हो रहा है, फुल सर्विस ब्रोकर ज्यादा सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, कि डिस्काउंट ब्रोकर लोग ज्यादा सर्विस अच्छा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब इसमें बोलेंगे तो मुझे जरोदा हो गया, अपस्टॉक हो गया, डिस्काउंट सबसे बेस्ट है, जरोदा, अपस्टॉक, 5paisa, ये तीनों सबसे बेस्ट है डिस्काउंट ब्रोकर में। तो यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि फुल सर्विस ब्रोकर में, तो आप एंजल ब्रोकिंग, शेयर खान, इंडियन इन्फ्लुएंस, मोतीलाल ओसवाल, यहाँ पे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप सबसे पहले आप चेक करें कि इनका ब्रोकरेज चार्ज कितना है, सर्विस चार्ज कितना है, और इनका हिडन चार्जेस कुछ तो नहीं है, AMC चार्जेस कितना है, अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस कितना है, ये रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करके दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, फंडामेंटल रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट, आपको टिप्स मिल रहा है कि नहीं मिल रही, सभी चीज़ आप चेक करने के बाद ही आप अपना यहाँ पे अकाउंट ओपन करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।